कहाँ से लेके आया था? शायद यहाँ से लेके आया था। नहीं यार। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रोलिंग मंक। मैं हूँ अभी सारी विलेज पे और अभी हम जा रहे हैं ट्रैक के लिए, जो कि है 2 से 3 किलोमीटर का ट्रैक है। लेकिन उससे पहले मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ का सारी विलेज। ये हमारे रोम के बाहर का व्यू, जहाँ से मैक्सिमम विलेज दिख जाता है। यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी मेरे को कि इतना ज़्यादा ना सब चीज़ कमर्शलाइज नहीं है, होटल वगैरह काफ़ी कम है इधर। हम भी एक होम स्टे में ही रुके हैं। और ये देखो बढ़िया एकदम छोटे छोटे से घर बन रखे हैं। ये वाले जो घर बने हुए ना, ये अलग ही लेवल के लग रहे हैं, मतलब बढ़िया एकदम। तो अभी मैंने विलेज ना ऊपर से ही दिखाया अपने रूम के पास से कैसे दिखता है। कल मॉर्निंग में टाइम मिला तो मैं दिखाऊंगा नीचे जाके भी उधर अच्छे से गलियाँ कैसा कैसा है। बाकी अभी हम जा रहे हैं ट्रैक पे देवरिया ताल, जिसका नाम है देवरिया ताल। गया मैं, थक गया यार। क्या क्या किया? थक गया मैं यार, जब तो स्टार्ट भी नहीं हुआ। अभी थोड़ी सी दूर आए और मैं दिखाता हूँ आपको पीछे का व्यू। थोड़ा सा जल्दी आते तो पक्का हमें यहाँ पे क्लाउड दिखते काफ़ी नीचे नीचे। ये है छोटा सा प्यारा सा शिव जी का मंदिर, इसी के पास से अभी हम आए हैं। लेकिन अभी हम चलते हैं आगे, क्योंकि रात होने से पहले ही इसे पूरा करना है। वैसे तो 2 किलोमीटर का ही है, लेकिन इतना स्टीप है ना कि पसीने से हालत ख़राब है। हालत देखो। और अभी कितना हुआ ये? अभी तो शुरुआत हुई है। ये देखो शुरुआत हुई है और अभी हमें जाना है उधर बिल्कुल टॉप पे। हमारा तो अभी ट्रैक स्टार्ट ही हुआ है और ये अपना ट्रैक पूरा करके आ रही है। ये लॉन्ग कट, ये शॉर्ट कट। और जब आपकी हालत हो ऐसी तो हमेशा ये शॉर्ट वाला ही लो। वैसे तो होती नहीं है इतनी, लेकिन आज हो गई इतनी। तो फाइनली यही है वो जिसके लिए इतनी मेहनत करके ऊपर आए हैं। वैसे तो 2 ही किलोमीटर है, लेकिन सिटी के 10 किलोमीटर के बराबर है। चल रहे नेट बता, पीटीएम नंबर। अभी इतना लेट आए हम यहाँ पे, सारे लोग जा रहे थे और हम आए हैं। तो हमारे जब जाने का टाइम होगा ना, रात रात हो चुकी होगी अच्छे से। तो चलो अब कुछ मेन चीज़ों की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आने की ना एंट्री फीस 150 है, जिसमें कि अगर जो आपके पास स्टूडेंट आईडी है तो 70 रुपीज़ है आपकी। लेकिन फिर भी उस हिसाब से भी ना लेक बिल्कुल भी मेंटेन नहीं है, काफ़ी गंदी हो रखी है लेक। तो इसलिए जब भी आओ ना ऊपर देखने के लिए, तो थोड़े से पैसे ज़रूर साथ रख के लेके आना, क्योंकि यहाँ पे ऊपर नेट वगैरह तो कुछ नहीं चलता। और सेकंड ये कि वाटर बॉटल ना हमेशा साथ रखना,
क्योंकि ना ऊपर काफ़ी काफ़ी डिस्टेंस पे शॉप है, मतलब पूरे ट्रैक में हमें बस एक दो शॉप दिखी थी जो कि काफ़ी डिस्टेंस पे थी, तो इसलिए वाटर बॉटल और हल्का फुल्का स्नैक्स हमेशा साथ रखना। बाकी हमने ट्रैकिंग 5:30 पे स्टार्ट की थी जो कि काफ़ी लेट है, लेकिन फिर भी हम जल्दी पहुंच गए यहाँ पे, 6 बजे तक पहुंच गए थे आधे घंटे में, वरना यहाँ पे 50 से 1 आवर तक लग जाता है ट्रैकिंग में। जल्दी जल्दी के चक्कर में ही हम ज़्यादा थक रहे थे। अब थोड़ी देर यहाँ पे बैठेंगे और उसके बाद निकलते हैं वापस नीचे। अभी अभी ना हमें एक बढ़िया सी जगह मिली है, व्यू पॉइंट है एक्चुअली। यहाँ से ना अगर जो कुछ भी बोलते हैं, यहाँ से अगर जो सामने कुछ भी चीखेंगे ना तो उसकी आवाज़ गूंजेगी। मैं भी दिखाता हूँ आपको। रोलिंग मॉन्क सब्सक्राइब करो। देखा मैजिक, अब जल्दी से फटाफट कर दो। जगह देख लो, ये थी ऐसी सी बड़ी मस्त। बस थोड़ा सा लेट हो गए लेकिन फिर भी ठीक है। उतरता हूँ पहले फोन एक साइड रख के। कहाँ से लेके आया था? शायद यहाँ से लेके आया था। नहीं यार, कुछ ज्यादा ही लेट हो गए। रास्ता देखो, आगे कुछ भी नहीं दिख रहा। ख़त्म करता हूँ मैं इसको, यहीं पे एंड करता हूँ वीडियो का। ये देखो यहाँ से नीचे, अभी मंदिर भी दिखाता हूँ, पहले नीचे देखो।